यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कैसे टेंसर फ्लो इम्पोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से टेंसर फ्लो वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं. लाइक हर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है कि हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उनको इनिशलाइज कर सकते हैं और कहीं भी उनको यूज़ कर सकते हैं किसी भी किस्म के मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए. यहाँ पे हम देखेंगे टेंसर फ्लो में हम किस तरह से वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले हमें टेंसर फ्लो इंस्टॉल करना है. टेंसर फ्लो इंस्टॉल करने के लिए हम लिखेंगे इम्पोर्ट TensorFlow as TF. TF TensorFlow ऑब्जेक्ट है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं जो आपका दिल करे. अगर हम इसको चेक करना चाहें कि TensorFlow इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली कि नहीं, तो आप इसको फाइल को रन करें. अगर ये विदाउट एनी एरर रन करती है तो इसका मतलब ये TensorFlow इंस्टॉल इंपोर्ट हो चुका है. अब हम देखेंगे वेरिएबल हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. तो उसके लिए लेट्स से हम लिखते हैं वेरिएबल 1 इज इक्वल टू TF, ये TensorFlow ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल. यहाँ पर वी कैपिटल लिखेंगे. अब इस वेरिएबल को हम इनिशियल वैल्यू देने के लिए लिखेंगे इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू लेट्स से 25 रख देते हैं. अगर आप इसको कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप असाइन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं डी टाइप इज इक्वल टू TF डॉट फ्लोट, लेट्स से फ्लोट 32, फ्लोट 64, फ्लोट 16, कुछ भी आप रख सकते हैं. इसके अलावा आप इसको कोई नेम भी असाइन कर सकते हैं. लेट्स से मैं इसको कहता हूँ नेम इज इक्वल टू वेरिएबल 1. ओके, इसी तरह से हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं. इसको हम कह देते हैं वेरिएबल 2. इसमें हम इनिशियल वैल्यू रख देते हैं 50, लेट्स से. ओके, अब अगर हम यहाँ पे इस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं वेरिएबल 1, ये हमें इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करवाएगा बल्कि ये हमें ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करवाएगा कि ये एक वेरिएबल है और ये इसकी शेप बताएगा. शेप का मतलब इसकी डायमेंशंस, डेटा इसके अंदर किस डायमेंशन का है, और ये हमें यहाँ पे इसकी डेटा टाइप बता रहा है. अगर हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले एक सेशन क्रिएट करना होगा. हम जब भी TensorFlow में कोई ऑपरेशन रन करना चाहें वो सेशन के बगैर रन नहीं कर सकते. सेशन क्रिएट करने के लिए आप कुछ भी कोई वेरिएबल नाम कुछ भी, लाइक मैं यहाँ पे सेस लिख रहा हूँ इज इक्वल टू TF डॉट सेशन विद एस कैपिटल. इससे हमारा एक सेशन क्रिएट हो गया. अब हम इस सेशन में रन कर सकते हैं. तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए अगर आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे सेस सेशन, यानी सेशन डॉट रन, और यहाँ पे हम कर सकते हैं वेरिएबल 1 डॉट रीड वैल्यू. अब अगर हम इस फाइल को रन करेंगे तो ये ओके. यहाँ पे एक चीज़ है कि जब भी आप वेरिएबल्स को यहाँ पे क्रिएट करेंगे उनकी उनके ऊपर किसी भी किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आपको इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा. हम एक कमांड के थ्रू सारे के सारे वेरिएबल्स को इकट्ठा इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये भी आप सेशन के अंदर ही करेंगे. इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सेशन डॉट रन, वेरिएबल को यूज़ करने से पहले आपने उसको इनिशियलाइज़ करना है. तो रन TF डॉट ग्लोबल वेरिएबल इनिशियलाइजर, यहाँ पे पैंथेसिस डालना नहीं भूलना. अब हम इसको रन करेंगे. ओके, ये हमें वैल्यू इसकी, लेकिन हमने क्योंकि इसको प्रिंट नहीं करवाया इसलिए नज़र नहीं आ रहा. हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं. ओके, ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर 25 स्टोर्ड है. ओके, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, लाइक आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, लाइक ABC इज इक्वल टू ये. अब हम इस ABC को प्रिंट करवा सकते हैं. अगेन ये आपको वैल्यू इसकी शो करवा रहा है. ओके, अब हम क्या देखते हैं कि हम इन वेरिएबल्स के ऊपर किस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लेट्स से करते हैं एडिशन इज इक्वल टू TF डॉट एड वेरिएबल, वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2. हमारे पास एडिशन में इसका रिजल्ट आ गया. अब ये अगेन एक ऑपरेशन है, इसको अगेन हम रन करेंगे प्रिंट सेस डॉट रन एडिशन. बेसिकली एडिशन के अंदर इन दोनों की एडिशन है. ओके, ये हमें बता रहा है कि इसका आंसर 75 है. ओके, आप इसी ऑपरेशन को लेट से यहाँ पे मैं एक और ऑपरेशन डिफाइन करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्शन, लाइक सब इज इक्वल टू TF डॉट सब्ट्रैक्ट. यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ वेरिएबल 2 कॉमा वेरिएबल 1. अब हमारे पास सब में एक ऑपरेशन है, इसको अगेन अगर हम इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो हमें इसको रन करना पड़ेगा. तो रन करने के लिए अगेन मैं लिख सकता हूँ प्रिंट, लेट से यहाँ पे करते हैं सब्ट्रैक्शन कॉमा सेस डॉट रन सब. अब ये इस सब ऑपरेशन को
रन करेगा, और इस सब ऑपरेशन में हमारे पास क्या है, वेरिएबल टू और वेरिएबल वन का डिफरेंस, उनके सब्ट्रैक्शन। तो इसको चेक करते हैं, कहीं हमें बता रहा है सब्ट्रैक्शन इज 25। डेफिनेटली अगर हम 50 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 ही आंसर होगा। तो इसी तरह से आप कोई और ऑपरेशन अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमें क्या बताएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये हमें बता रहा है मल्टीप्लिकेशन इज दिस। इसी तरह अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पे आप डिवाइड का ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। अब हमें बता रहा है ये, सॉरी यहाँ पे हम ओके, हमें बता रहा है कि इसकी डिवीजन 2 है। डेफिनेटली 50/25 आंसर इज 2। आप इसके अलावा इन ऑपरेशंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेट्स से सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू वेरिएबल 2 माइनस वेरिएबल 1। अगेन आप जब यहाँ पे इसको करेंगे, दिस इज सब्ट्रैक्शन। ओके, अभी भी आंसर 25 ही आ रहा है। तो आप जिस तरह से अगर टेंसरफ्लो के थ्रू डायरेक्टली कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर आप जस्ट लाइक अदर लैंग्वेजेस भी आप इसको ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनको ये इनिशलाइज करने का तरीका ये है, और आप किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर याद रहे कि आपने सेशन ज़रूर क्रिएट करना है, विदाउट सेशन किसी भी ऑपरेशन को आप रन नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आप सेशन क्रिएट करने के लिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, विद सेशन tf डॉट सेशन एज सेस। आप दोनों तरीकों से, किसी भी तरह से आप सेशन क्रिएट कर सकते हैं।